बाल झड़ रहे हैं, बालों की लंबाई नहीं हो रही है और बालों में ड्राइनेस आ गई है। तो दोस्तों बालों की जो झड़ने की समस्या है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों अब है जो रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है या कहीं जगह पर स्टार्ट हो भी गया होगा, तो रेनी सीजन जब आता है तो हमारे बाल जो है और भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे बालों में ऑक्सीजन मिलती है हमारे बालों को, वो रेनी सीजन में बहुत कम हो जाती है और इस टाइम में जो है नमी आ जाती है मौसम में, तो जिसके कारण हमारे बाल और भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो जो बालों की झड़ने की समस्या है, इसी को लेकर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे बात कर रही थी बालों के झड़ने के बारे में, यानी कि हेयर फॉल, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। नॉर्मली ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। और बालों की लंबाई, तो दोस्तों जहाँ पर हमारे बाल झड़ते हैं वहाँ पर हमारे नए बाल भी नहीं आते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं। तो दोस्तों आपने मैं आपसे आज होम रेमेडी के बारे में बात करूंगी और होम रेमेडी के साथ आप अपने बालों का झड़ना जो है वो कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कड़ी लीव के बारे में। आपने कड़ी लीव के बारे में सुना होगा, आप लोग उसे खाते भी हैं, आपके किचन में भी अवेलेबल होता है। जो दोस्तों कड़ी लीव होती है उसे हम मीठे नीम की पत्ती भी कहते हैं और ये हमारे हेयर फॉल में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दोस्तों जो कड़ी लीव होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये कड़ी लीव जो होती है वो हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करें तो ये हमारे बालों का जो झड़ना है वो काफ़ी हद तक कम कर देती है। दोस्तों जो कड़ी लीव होती है वो हमारे खाने के स्वाद के साथ साथ हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसको भी करती है। दोस्तों जो कड़ी लीव्स होती हैं या कड़ी पत्ता होती है, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन्स ए बी सी और ई प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें फास्फोरस भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कड़ी लीव्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्कैल्प पर, हम जब इसे लगाते हैं तो ये हमारी स्कैल्प पर जो हमारे बालों की जड़ें होती हैं उन्हें ये मजबूत करता है, जिससे कि हमारी हेयर फॉल काफ़ी कम। से यूज़ करने के बाद बालों में चमक यानी कि शाइन और बालों की ग्रोथ हो जाती है और इसमें जो हमारी बालों के टेक्सचर है आप उसमें देखेंगे काफ़ी बदलाव आता है। दोस्तों जो कड़ी लीव्स होती हैं उसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। हमारे जो बाल हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, तो दोस्तों इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि हमारे बालों को मजबूती देता है, उसकी जो ड्राइनेस होती है उसे कम करता है, उसे ख़त्म करता है। बालों को झड़ने और पतला करने से रोकता है। दोस्तों इसमें एमिनो एसिड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और जो बालों को फाइबर देकर उसे मजबूत बनाती है। दोस्तों जो कड़ी पत्ता होता है अगर उसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो जो हमारी स्कैल्प पर बंद रोम छिद्र होते हैं उसे खोलने का काम करते हैं, जिससे कि हम जो भी मास्क हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वो हमारी स्कैल्प के थ्रू हमारी बालों की जड़ों में जाए और उन्हें नेचुरल नमी देकर, ऑयल देकर ड्राइनेस ख़त्म करे और बालों का झड़ना रोके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हमारे 50 से 70 बाल रूटीन में झड़ रहे हैं तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा बाल झड़ना और उनके जगह पर नए बाल ना आना भी एक प्रॉब्लम है। में कड़ी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों के रोम को मजबूत करती है और हेयर फॉल कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। यह स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसे सुधार करके बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी कम कर देती है। दोस्तों जो मैं आपके साथ बालों के झड़ने के लिए होम DIY शेयर करने वाली हूँ, तो दोस्तों उसमें फर्स्ट चीज़ है कड़ी लीव्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और सेकंड चीज़ है उसमें नारियल तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। तो इसके बारे में सबको पता है कि कोकोनट में ऑयल में क्या क्या होता है।
चीज़ों का यूज़ करके मैं आपके लिए एक हेयर ऑयल तैयार करने वाली हूँ, जिसका यूज अगर आप यूज़ रेगुलर करेंगे यानी कि हफ्ते में दो बार उसका यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो बहुत जल्दी कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसे खुद अपने बालों में यूज़ किया है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे और अब रेनी सीजन आने वाला है तो उसमें मेरे बाल और भी ज़्यादा झड़ते हैं, जिसके कारण बाल मेरे पतले भी हो गए थे। लेकिन मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये मुझे 3 से 4 बार यूज़ करने पर मेरे जो बालों का झड़ना है वो 60 से 70% कम हो गया है। चलिए पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपको आप जो ये ऑयल है ये आप इसे कैसे बना सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे यूज़ करें और ऑयल को बनाने के लिए देखते हैं कैसे कैसे ऑयल बनाया जाता है। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमने लेना है कोकोनट ऑयल। तो दोस्तों कोकोनट ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। उसके बाद आपने लेना है मेथी दाना। तो दोस्तों यहाँ मैंने मेथी दाना भी ऐड किया है, क्योंकि मेथी दाने में भी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे बालों के लिए हेल्दी होती हैं। उसके बाद मैंने ली है कड़ी लीव्स। दोस्तों आप 25 से 30 या जितना भी आप चाहें कड़ी लीव्स ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इसमें डाला है नारियल का तेल। तो दोस्तों नारियल का तेल आप डाल दें जितना आपने यूज़ करना है या जितना आप तेल बनाना चाहते हैं हेयर फॉल के लिए, आप उतना ले सकते हैं। आपने ये जो ऑयल अपने बालों के लिए बनाना है ये आपने लो फ्लेम पर ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं सेकंड चीज़ डालने वाली हूँ मेथी दाना। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मेथी दाने का यूज़ किया है। तीसरी चीज़ मैं डालूँगी कड़ी पत्ता। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 20 से 25 कड़ी पत्तों का यूज़ किया है। पर हमने इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि मेथी दाना और कड़ी पत्ता जो है वो काला ना हो जाए, और याद रहे हमने इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखिए यहाँ पर कड़ी पत्ता और मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है, ये डार्क हो गए हैं, और जो हमारा ऑयल है उसका भी कलर चेंज हो गया है। और ये जब अच्छी तरह पक जाएंगे तो हमने इसे बंद कर देना है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक तेल ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने पर आप इसे छान लें या फिर आप कड़ी पत्ते और मेथी दाने के साथ ही एक बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। दोस्तों अब ये भी बता दूं कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसे आप अपने उंगलियों का यूज़ करके स्कैल्प पर धीरे धीरे लगाएं। और तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेथी दाने का भी यूज़ किया है। मेथी दाने में पोटाशियम होता है जो बालों को गिरने से रोकता है। इसमें विटामिन ए, के सी, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड
जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की अच्छी ग्रोथ करते हैं और स्कैल्प को रिपेयर करने का काम करते हैं। भारतीय आयुर्वेद में तो बरसों से ही इसका यूज किया जाता है। ये बालों का झड़ना रोककर हेयर ग्रोथ करते हैं और हेयर के लिए काफी हेल्दी होते हैं। तो दोस्तों, जो मेथी दाना होता है वो 70-80% हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बालों की ग्रोथ करता है। आप इसे किसी भी ऑयल में पकाकर लगा सकते हैं जो कि आपके बालों को गिरने से रोकेगा और उनकी जगह नए बाल भी उगाएगा। आपने ऑयल को लगाते टाइम हल्की हल्की मसाज करनी है और आप इसे रात को लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। सुबह इसे किसी भी हर्बल शैम्पू से वॉश कर रहे हैं। अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए इसे सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर लगाएं। तो दोस्तों, आपने देखा है कि मैंने इसे कितना इजी बनाया है और इसे ये लगाने में भी बहुत इजी है। तो दोस्तों, आपने इसे जैसे मैंने बताया आपने वैसे ही इसको रखना है। आपने इसे आपको अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो आप इसको रात को लगाएं और मॉर्निंग में आप अपने हेयर वॉश कर लें किसी भी माइल्ड शैम्पू से, यानी कि किसी भी हर्बल शैम्पू से आप वॉश करें। और अगर आप दिन में भी लगाना चाहें तो आप इसको लगाएं और 2 घंटे बाद आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं और आप देखिएगा कि 2 से 3 बार में ही आपके जो हेयर फॉल है वो बहुत जल्दी बहुत कम हो जाएगा और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ पर आपके बाल झड़ते हैं वहाँ पर नए बाल नहीं आते हैं तो ये जो ऑयल है ये वहाँ पर आपके नए बाल भी उगाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, जो दोस्त मेरी वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, मेरी वीडियो को भी शेयर कर दें। थैंक यू।